नाम सौरभ महाजन है, मेरी एज आज 40 ईयर्स की है। आज से 1.5 साल पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आया था, उस टाइम मेरा वेट 158 kg था, आज मेरा वेट 95 kg है। तो आज की डेट में जो मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, वो मतलब मैंने मेरा जब वेट कम भी होता तब भी इतनी लाइफ एंजॉय नहीं करी जो इस एज में आके मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसका थैंक्स सारा डॉक्टर साहब को जाता है जिन्होंने मुझे गाइड किया सर्जरी कौन सी सर्जरी मेरे लिए बेटर रहेगी कैसे रहेगी। तो कई दिक्कतें थी जैसे शुगर प्रॉब्लम थी, स्लीप एनीमिया था, आज मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर मेरी बॉर्डर लाइन पर रहती थी, प्री डायबिटिक था, आज मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लाइफ में। स्नोरिंग प्रॉब्लम थी, कोई स्नोरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, स्लीप एनीमिया था, बैठे बैठे नींद आ जाती थी, वो भी सब सारी चीज़ें ठीक है, लाइफ पूरी एक्टिव है। अब अपना सारा दिन एक्टिव रहना है, सारे दिन काम करना है, एनर्जेटिक सी बॉडी पूरा एनर्जेटिक रहती है। मुश्किल था सर्जरी का पूरा प्रोसेस? सर्जरी का कोई प्रोसेस मुश्किल नहीं था। मुझे फर्स्ट डे सर्जरी हुई है, फर्स्ट डे में अपना मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आप रेस्ट करो, सेकंड डे से मुझे अपना वॉक कराना शुरू कर दिया हॉस्पिटल में ही। 3 से 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मुझे डेली उन्होंने थोड़ा 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 वॉक करवाया है। उसके बाद नॉर्मल मैं स्टिचेस मेरे हल्के हल्के छोटे छोटे से 1-1 स्टिच लगा हुआ था वो उन्होंने खोल दिया है। उसके बाद रूटीन मेरी लाइफ सब बिल्कुल, मैं 1 महीना पूरी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, वो तो कोई भी सर्जरी हो रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल होगी, आप रूटीन में जैसे डॉक्टर साहब गाइड कर रहे हैं, आप खाना खाओ वो करो तो सब कुछ ठीक है। डेढ़ साल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या सर्जरी में किसी तरह की कोई दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं है डेढ़ साल में, मतलब मैं वही बता रहा था कि मतलब सर्जरी से रिलेटेड कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि जो लोग डरते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ये नहीं कराना चाहिए, इसमें ये दिक्कत है, मुझे आज तक टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जिसको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है अपना डॉक्टर साहब से कंसल्ट करो और दिखाओ और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ और इन्जॉय करो।